नमस्कार, मैं नितिन कुमार जांगिड, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रोडक्शन ऑफ जनरेटर की सीरीज़ में सबसे पहले टॉपिक फील्ड फेलियर या लॉस ऑफ एक्साइटेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि फील्ड फेलियर क्या होता है और लॉस ऑफ एक्साइटेशन क्या होता है। याद रखना, किसी बुक में फील्ड फेलियर होगा, किसी में लॉस ऑफ एक्साइटेशन होगा। प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर की सीरीज़ में फील्ड फेलियर और लॉस ऑफ एक्साइटेशन के बारे में देखेंगे कि ये मेथड क्या होते हैं, इससे इफेक्ट क्या होता है और इसके प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सी स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए कि फील्ड फेलियर होता क्या है। ठीक है, जैसा है कि हमें पता है कि अल्टरनेटर या जिसे हम सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं, तो सिंक्रोनस जनरेटर जो हमारा है वो डबली एक्साइटेड मशीन है। तो उसमें क्या होता है, स्टेटर पे भी सप्लाई करते हैं और हम रोटर पे भी सप्लाई करते हैं डीसी एक्साइटेशन के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम एक्साइटेशन देते हैं तो वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों जनरेट करता है। तो सिंक्रोनस जनरेटर या जिसे हम अल्टरनेटर बोल रहे हैं, हमारा एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर जनरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन। हम एक्साइटेशन दे रहे हैं उस पर, ठीक है, जिस रोटर पर। लेकिन क्या होता है कि मान लो वो एक्साइटेशन चला गया या जिस वो फील्ड फेलियर हो गया किसी वजह से, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा जो मशीन है वो अब डबली एक्साइटेड ना हो गया, हमारी सिंगली एक्साइटेड हो गई। कैसे? क्योंकि अब रोटर पे जो एक्साइटेशन हम पहले दे रहे थे वो हो गया लॉस, उसके हानि हो गई या उसका वो खत्म हो गया किसी वजह से। वो देखेंगे हम किस वजह से हुआ। तो उस केस में जो हमारा अल्टरनेटर है वो इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और इंडक्शन जनरेटर, जैसा कि हमें पता है कि इंडक्शन जनरेटर के केस में जो स्पीड होती है रोटर की, वो सिंक्रोनस स्पीड से अबव होती है। तो उस केस में स्लिप स्पीड आएगी, फिर हमारा रोटर कंडक्टर्स होते हैं उसके ऊपर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा और उस इंड्यूस ईएमएफ से एक रोटर सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी। सब लिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले क्या सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है वो हमारा सप्लाई करता है क्या, एक्टिव पावर और लैगिंग रिएक्टिव पावर। किसको? ग्रिड को सप्लाई करेगा। ठीक है, बात करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर की सेकेंड पावर। तो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, एक्टिव पावर तो ऑब्जॉर्व करेगी, ठीक है, और लैगिंग रिएक्टिव पावर को सप्लाई करेगी ग्रिड के। फिर बात करते हैं इंडक्शन जनरेटर की। तो इंडक्शन जनरेटर क्या है, एक्टिव पावर को तो सप्लाई करेगा और लैगिंग रिएक्टिव पावर को ऑब्जॉर्व करेगा। और इंडक्शन मोटर होती है ऑब्जॉर्व एक्टिव पावर और लैगिंग रिएक्टिव पावर दोनों को ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है, इसी की अगर हम क्वाड्रेंट ऑपरेशन देखें तो पी जो है हमारा वो एक्टिव पावर है और क्यू हमारा रिएक्टिव पावर। ठीक है, प्लस पी, पॉजिटिव पी का मतलब वो सप्लाई कर रहा है और नेगेटिव का मतलब है वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, सिंक्रोनस जनरेटर हमारा एक्टिव और रिएक्टिव दोनों को सप्लाई कर रहा है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट पे आना चाहिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फिर हम देखते हैं इंजेक्शन जनरेटर की। तो इंजेक्शन जनरेटर क्या होता है, हमारा एक्टिव पावर को तो सप्लाई करता है और रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व करता है, तो वो कहाँ पे आएगा, इस क्वाड्रेंट पे। क्योंकि यहाँ रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व करो, एक्टिव पावर सप्लाई करो, तो इंडक्शन जनरेटर हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फिर बात करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर की। तो सिंक्रोनस मोटर के एक्टिव पावर को ऑब्जर्व और लैगिंग रिएक्टिव पावर को सप्लाई, तो वो आ जाएगी हमारी यहाँ पे। और फिर लास्ट में हम इंडक्शन मोटर की देखेंगे जो एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर को ऑब्जर्व करता है, तो वो आ जाएगी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेंट ऑपरेशन एक एसी मशीन का। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि जस्ट नॉर्मल कंडीशन है, जब हमारा अल्टरनेटर वर्किंग कंडीशन में है या सिंक्रोनस जनरेटर है, तो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर हमारा ग्रिड से कनेक्टेड है। ठीक है, इट कनेक्टेड टू ग्रिड। अब ये क्या करा, जब ग्रिड से कनेक्टेड है तो सप्लाई क्या करा, रिएक्टिव पावर सप्लाई करा। और किसके साथ, एक्टिव पावर के साथ, ग्रिड को एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर सप्लाई करा। ठीक है, और हमें पता है कि सिंक्रोनस जनरेटर है वो एक फिक्स स्पीड है, कॉन्स्टेंट स्पीड पर रोटेट करता है, वो होती है सिंक्रोनस स्पीड। तो जो रोटर की स्पीड है हमारी वो क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड, और जो ग्रिड फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है जो होती है हमारी 120 f/p। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, जब लॉस ऑफ फील्ड या फेलियर ऑफ फील्ड या लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रोटर और स्टेटर के बीच में एक सिंक्रोनस जो एक लॉकिंग है वो खत्म हो गई। ठीक है, वो खत्म हो गया, लेकिन हमारा जनरेटर तो अभी भी कनेक्टेड है ग्रिड से। बिल्कुल, जनरेटर कनेक्टेड है ग्रिड से। तो उस केस में क्या हुआ, जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है वो किसकी तरह बिहेव करने लगा है, वो बिहेव करने लगा है इंडक्शन जनरेटर की तरह। क्यों? क्योंकि जो रोटर पे हमारा एक्साइटेशन था वो नहीं है, वो खत्म हो गया। तो जब रोटर पे एक्साइटेशन खत्म हो गया, तो वो जो सिंक्रोनस जनरेटर हमारा जो डबली एक्साइटेड मशीन थी, वो अब क्या हो गई, सिंगली एक्साइटेड मशीन। डबली एक्साइटेड मतलब स्टेटर पे भी पावर दे रहे हैं और रोटर पे भी अलग पावर दे रहे हैं या और सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन इंडक्शन जनरेटर सिंगली एक्साइटेड क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेटर पे सप्लाई दी जाती है, रोटर पे नहीं दी जाती। ठीक है, तो जब हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन आता, तो उस केस में क्या हुआ, सिंक्रोनस जनरेटर हमारा इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लगा। और जब इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लग गया, तो जो रोटर पे हमारे अपोजिशन में पहले आ रहा था, ठीक है, वो नहीं आ रहा। जब रोटर पे अपोजिशन नहीं आ रहा, तो हमारा प्राइम मूवर तो उसी स्पीड से रोटेट करा रहा है रोटर को।
ठीक है, तो हमारी रोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, किससे बढ़ जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इंजेक्शन जनरेटर में हमारी जो रोटर की स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो, ठीक है। तो जो फील्ड फेलियर या लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ उस केस में क्या हुआ, सिंक्रोनस जनरेटर इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लग गया और वो रोटेट रोज का रोटर है वो हायर स्पीड पर रोटेट करने लगा है, देन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो ये पहले जो रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा था जब सिंक्रोनस जनरेटर था तो ये क्या कर रहा था, रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा था, लेकिन जब ये इंडक्शन जनरेटर बन गया लॉस ऑफ एक्साइटेशन की वजह से तो ये अब रिएक्टिव पावर को ऑब्जॉर्व करने लगेगा ग्रिड से, तो ये क्या करे, एक स्पेशल एक करंट और ड्रॉ करने लग जाए जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, क्यों, ग्रिड से, क्योंकि ये क्या रिएक्टिव पावर को ऑब्जॉर्व करने लग गया जब इंडक्शन जनरेटर बन गया, ठीक है। अब ये इंडक्शन जनरेटर बन गया तो उससे फर्क क्या पड़ा, तो सबसे पहले देखिए जब आफ्टर द जनरेटर लॉसेज एक्साइटेशन एक्साइटेशन लॉस हुआ तो क्या हुआ, जो स्पीड है रोटर की वो ज़्यादा हो गई, किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। जब स्पीड ज़्यादा हो गई तो हमारी स्लिप स्पीड आई, एक स्लिप स्पीड होती है इंडक्शन जनरेटर के केस में जो होती है स्टेटर और रोटर के बीच में, तो जब एक स्लिप स्पीड आई बिटवीन स्टेटर एंड रोटर तो हम ये कह सकते हैं कि हम रोटर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, जब स्लिप स्पीड आई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आया और हमारा रोटर क्लोज सर्किट में है तो रोटर सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है। तो जब रोटर के अंदर करंट फ्लो होने लग जाए तो हम ये कह सकते हैं रोटर करंट की वजह से रोटर सर्किट के अंदर लॉसेज आएंगे, और जब रोटर सर्किट के अंदर लॉसेज आए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रोटर है पहले उसमें लिमिटेड करंट फ्लो होते हैं, उसमें अगर ज़्यादा करंट फ्लो होने लग गई एक फिक्स वैल्यू से तो क्या हो जाए, हमारा रोटर ओवर हीटेड हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि रोटर ओवर हीटेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब है ना हमारा स्पीड ज़्यादा हुई, ठीक है, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हुई तो स्लिप स्पीड आई, और जब रोटर और स्टेटर के बीच में स्लिप स्पीड आई तो रोटर में एक इंड्यूस ईएमएफ आया, इंड्यूस ईएमएफ से करंट फ्लो होने लग गई और फाइनली हमारा रोटर ओवर हीटेड होने लगे और हीटिंग होने लगी रोटर के अंदर। तो पहली प्रॉब्लम, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, जब हम अल्टरनेटर की बात करें तो उस केस में क्या है, नारा रोटर के ऊपर हम सप्लाई कर रहे हैं एक्साइटेशन, सप्लाई कर रहे हैं डीसी, तो उस केस में क्या होगा, जब रोटर के ऊपर सप्लाई कर रहे हैं हम एक्साइटेशन तो वो जो पावर है, वो जो पावर है पहले रोटर से स्टेटर पर जाएगी और स्टेटर से फिर क्या हो जाएगी, ग्रिड पर सप्लाई होगी, जिसे हम रिएक्टिव पावर बोल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन इंजेक्शन जनरेटर की बात है तो इंजेक्शन जनरेटर के केस में क्या होता है, एक्टिव पावर हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं किससे, स्टेटर से, और रिएक्टिव पावर हम लेते किससे हैं, ग्रिड से लेते, तो ग्रिड से किस फॉर्म में आएगी, पहले ग्रिड से स्टेटर में आएगी, ठीक है, यही होता है फॉर्म। तो लेकिन क्या हुआ, जब हम अल्टरनेटर से सप्लाई कर रहे हैं तो रोटर हमारा अलग सप्लाई कर रहा है, स्टेटर अलग सप्लाई कर रहा है, लेकिन जब इंडक्शन जनरेटर की बात करें तो इंडक्शन जनरेटर में क्या, हम जो टोटल पावर है वो इन हम स्टेटर से डील करें, वो सिंगली एक्साइटर है तो स्टेटर से डील करें, तो इस केस में क्या हुआ, जो स्टेटर के ऊपर ओवरऑल करंट है वो ज़्यादा हो गया, तो जब करंट ज़्यादा हो गया तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा स्टेटर की वाइंडिंग ओवरलोडिंग होगी, जैसे उसमें पहले 15 एम्पियर जो फ्लो हो रही थी अब वो फाइनली 25 एम्पियर फ्लो होने लग गई, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे स्टेटर की वाइंडिंग है वो ओवरलोडिंग हो गई। तो पहली प्रॉब्लम क्या, रोटर ओवरहीटेड हो गया, सेकंड प्रॉब्लम है स्टेटर की वाइंडिंग ओवरलोडिंग हो गई। तो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, एज इन अल्टरनेटर, जब हम अल्टरनेटर की बात करें तो रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हैं हम रोटर से, रोटर से पहले जाएगी स्टेटर में और फिर स्टेटर से चली जाएगी ग्रिड पे, ठीक है, रिएक्टिव पावर। लेकिन जब इंडक्शन जनरेटर की बात की तो जो हमारी इंटायर पावर है, टोटल पावर है, वो हम सप्लाई कर रहे हैं किससे, स्टेटर से, ठीक है। तो अब जब स्टेटर से सप्लाई कर रहे हैं हम इंडक्शन जनरेटर के केस में तो ये क्या कि ड्रॉ करने लग जाएगा ज़्यादा करंट, इन कंपेरिजन विद अल्टरनेटर स्टेटर हमारा ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लग जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं हमारे स्टेटर वाइंडिंग है उसमें ओवरलोडिंग होने लग गई, तो ये हुई है दोनों प्रॉब्लम फील्ड फेलियर या लॉस ऑफ एक्साइटेशन की वजह से। अब जैसा कि हमने देखा कि जब फील्ड फेलियर हुआ तो उसमें करंट इंक्रीज हुई, और हम ये क्या करते हैं जैसे ओम्स लॉ से कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, तो जब करंट इंक्रीज हुई तो हमारा इम्पिडेंस कम हो गया, या हम ये कह सकते हैं जब हमारा रिएक्टिव पावर डिपेंडेंट अपॉन द रिएक्टेंस, जब रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है मतलब हमारा रिएक्टेंस पॉजिटिव है, और जब रिएक्टिव पावर नेगेटिव है तो हमारा रिएक्टेंस नेगेटिव है, तो जब अल्टरनेटर था तो रिएक्टिव पावर पॉजिटिव थी तो हमारा रिएक्टेंस पॉजिटिव था, लेकिन जब इंडक्शन जनरेटर की बात की तो हमारा रिएक्टिव पावर नेगेटिव हुई तो हमारा रिएक्टेंस नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा इम्पिडेंस पहले था अल्टरनेटर के केस में जब उसमें रिएक्टेंस पॉजिटिव था, अब जब इंडक्शन जनरेटर की बात की तो हमारा इम्पिडेंस कम हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिएक्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, जब रिएक्टेंस नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो हमारा ओवरऑल इम्पिडेंस भी कम हो गया। तो फील्ड फेलियर में क्या हुआ, करंट इंक्रीज हुई और करंट इंक्रीज होगी जो हमारे तो जो इम्पिडेंस है वो इम्पिडेंस कम हो गया।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्शनल रिले लगाएंगे जो ये सेंस करेगा कि वहाँ पे रिएक्टेंस कहाँ पे चेंज हुआ, जहाँ पे रिएक्टेंस पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, और वो उसको सेंस कर ले। तो सेंस करने से हमें ये पता चल जाएगा कि अभी इसमें लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ जनरेटर में, या उसको प्रोटेक्ट कर सकती है इस प्रॉब्लम से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे ऑफसेट एमएचओ रिले का, जो सेंस करेगा कि रिएक्टेंस चेंज हुआ। अब देखिए फील्ड फेलियर हुआ किस किस वजह से, ठीक है। तो फील्ड फेलियर होने की वजह है, एक तो एक्साइटेशन, जब एक्साइटेशन हमारा फेल हो गया, या फील्ड ब्रेकर लगा हुआ उसमें एक्सीडेंटल ट्रिपिंग हुई, या फील्ड वाइंडिंग उसमें ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है। और फोर्थ है हमारा लॉस ऑफ सोर्स टू द एक्साइटर, जो एक्साइटर पे जो सोर्स लगा है वो उसमें अगर लॉस हुआ किसी वजह से, तो हमारे इन चार वजह से फील्ड फेलियर या लॉस ऑफ एक्साइटेशन होते हैं किसी जनरेटर में। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन स्कीम की। तो प्रोटेक्शन स्कीम के लिए जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि ऑफसेट एमएचओ रिले और डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर इस रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑपरेट कर रहा था, यहाँ पे रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है और एक्टिव पावर भी। लेकिन जब इंडक्शन जनरेटर की बात की, तो इंडक्शन जनरेटर के केस में एक्टिव पावर तो सप्लाई करेगा, लेकिन रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं हमारा रिएक्टेंस नेगेटिव हो गया, तो इंडक्शन जनरेटर हमारा इस रीजन में ऑपरेट करने लग जाएगा। तो हम ऐसी रिले लगाएंगे जो रिएक्टेंस के नेगेटिव होने को सेंस कर ले, कि जब रिएक्टेंस हमारा नेगेटिव हो गया तो उसको सेंस कर ले, तो हमें पता चल जाए कि हमारा ये प्रोटेक्ट कर लेंगे हम लॉस ऑफ एक्साइटेशन से, ठीक है। तो जब कर्व है, जब हमारा सिंक्रोनस जनरेटर था वो यहाँ पे था, और जब सिंक्रोनस इंडक्शन जनरेटर हुआ तो हमारा इस रीजन में है। जो हम ऑफसेट एमएचओ रिले लगाएं वो ये सेंस कर ले कि जब जनरेटर का जो इम्पीडेंस है वो मूव कर जाए यहाँ से, जब ये जनरेटर का इम्पीडेंस इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, तो रिले ये सेंस करे कि इसमें लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ, और वो प्रोटेक्ट करे जनरेटर को। जब रिले सेंस करेगी वो फिर ट्रिप सिग्नल देगी सर्किट ब्रेकर को, और फाइनली हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और जनरेटर को डिसकनेक्ट कर देगा सिस्टम से, ठीक है। तो ये हुई हमने प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। अब देखिए इसमें क्या बताते हैं, जब वैन जनरेटर लॉसेज इस एक्साइटेड, वैन जनरेटर जब जनरेटर इसका एक्साइटेशन लॉस होता है, द लोकस ऑफ इक्विवेलेंट जनरेटर इम्पिडेंस मूव्स फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। मूव्स कहाँ से, फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरेटर का इम्पिडेंस मूव होगा, और हमारे जैसे ही यहाँ पे आया तो हमारे रिले को लगेगा कि भी लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ है, तो वो क्या करेगी, वो फील्ड ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल देगी, और फाइनली हमारा सर्किट ब्रेकर जनरेटर को डिस्कनेक्ट कर देगा सिस्टम से। और ये हुआ प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फील्ड फेलियर और लॉस ऑफ एक्साइटेशन से, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन और फील्ड फेलियर से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।